दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल्स और विद्वान इस बात से एक सहमत और एक मत हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की अगर सारी किताबें, सारे आलेख और सारा वॉल्यूम अगर पानी में बह जाता या आग में जल जाता या खो जाता और सिर्फ एक उनकी जो भाषण या एक उनका आलेख और एक किताब जो एनिलेशन ऑफ कास्ट या जाति का बीज नाशक के नाम से है, अगर वो बच जाता खाली, तो भी वो पूरे जीवन का उनकी मेहनत या सारा वॉल्यूम एक तरह से वो सुरक्षित होता। यानी एनिलेशन ऑफ कास्ट या जाति का बीज नाश इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या इतनी इम्पोर्टेंट किताब है कि उसमें भारत की तरक्की की सारे रहस्य छुपे हुए हैं। भारत की गुलामी के सारे कारण और भारत कैसे विश्व विजेता बने और कैसे सोने की चिड़िया बने और कैसे दुनिया पे राज करे, उसके सारे मंत्र इस किताब में दिए हुए हैं। भारत के हर एक नागरिक को ये किताब पढ़नी चाहिए क्योंकि ये भारत के हित के लिए है। दुनिया के लोग इसे पढ़ते हैं, कई जगह ये दुनिया में कोर्सों में भी चलती है। ये इंग्लिश में, हिंदी में सभी जगह उपलब्ध है, पीडीएफ में, इंटरनेट में ये फ्री में उपलब्ध है, जगह जगह इसके विश्लेषण है। इस किताब का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको आज दूंगा क्योंकि बहुत इसका जिक्र होता है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि ये बेसिकली किताब या ये लेख या भाषण है क्या। 12 दिसंबर 1935 को संत राम बीए, जो लाहौर में उस समय भारत था, तो लाहौर में वो रहते हैं और आर्य समाजी हैं, कुम्हार जाति से हैं, होशियारपुर के रहने वाले हैं, मगर होशियारपुर में जो कुम्हार जाति के लोग हैं वो बर्तन नहीं बनाते, वो परंपरागत रूप से व्यापार करते हैं और वो व्यापार के सिलसिले में मध्य एशिया तक भी गए हैं। और आर्य समाज ने जो स्थापना की थी जात पात तोड़क मंडल, क्योंकि आर्य समाज का ये जो धड़ा था जात पात तोड़क मंडल, यानी कि वो खुद भी जात पात को तोड़ रहे थे, अंग्रेजों से मुकाबला करना था और मुकाबला करने के लिए भारत के लोग बटे हुए थे, इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए ये जरूरत आन पड़ी कि जात पात को तोड़ा जाए और धर्म की दीवारों को खत्म किया जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा, और सारी जातें खत्म करके भारतीय होने का एक गर्व महसूस हो, इस बात के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा था उन समय क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना था। बात 1935 की है, 12 दिसंबर की। तो लाहौर में उनकी एक उर्दू पत्रिका चलती थी क्योंकि उस समय उर्दू बहुत ज्यादा चलती थी, उर्दू पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम था क्रांति। उसमें वो संतराम बीए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बिना पूछे भी उनके लेखों को, आलेखों को उसमें छापते रहते थे और डॉक्टर साहब को यानी बाबा साहब को पत्र भी लिखते थे कि मैंने आपसे बिना पूछे, क्योंकि ये समाज हित में था, ये मैंने छाप दिया। और वो अकेली पत्रिका थी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उनके लेखों को छापती थी। तो ईस्टर का उनका सालाना जलसा होना है, सालाना जलसा मतलब ईस्टर, जिस दिन गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को मारने की कोशिश की गई, सूली पे चढ़ाया गया, उसके बाद जो संडे आता है उसको ईस्टर बोलते हैं, ईस्टर का संडे, और तब वो जीवित हो उठे थे, वो सालाना फंक्शन वहाँ होना था। इसका मतलब ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का वहाँ पे खूब अच्छा बोलबाला था क्योंकि ईस्टर का फंक्शन आयोजित होना है। उस ईस्टर के फंक्शन में संतराम बीए, चूंकि उसके संस्थापक मेंबर थे जात पात तोड़क मंडल के, उनकी चलती भी थी, और वो सभी जो जिनको ये कहते हैं कि हिंदू में सबसे ऊपर के लोग होते हैं उनका वो संगठन था और वो उसको चलाते थे, वहाँ बहुत सारे लोग नाराज भी हुए क्योंकि संत जो बीए थे, संतराम बीए, उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उस वार्षिक उत्सव का अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव रखा और वो पास कराया। डॉक्टर साहब से यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिक्वेस्ट की गई कि आप हमारे वार्षिक सम्मेलन में आए, इसकी अध्यक्षता स्वीकार करें और जात पात तोड़क के मंडल के लिए, क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं और आपका जो ज्ञान है और आपने जो शोध और आलेख लिखे हैं, जो आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं, वो दुनिया में सबसे कीमती हैं और सबसे अनमोल और सबसे अच्छे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को भी उसका लाभ मिले और यहाँ के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि आप आएं। कुछ लोगों ने विरोध किया, वो छोड़ के भी चले गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मना कर दिया कि मैं आपकी अध्यक्षता में नहीं करूँगा क्योंकि उसमें अधिकतर ऐसे हिंदू हैं जो मुझे पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे लोग हैं जो मुझे पहचान नहीं पाएंगे, जो मुझे समझते नहीं हैं या जो मेरे बारे में इतना अच्छा नहीं बोलते हैं। मगर फिर भी बात पत्र व्यवहार होता गया और बात आगे बढ़ती गई, संतराम बीए ने उनको मना लिया, बाबा साहब ने उनको यस कर दिया
और 1000 उनके लेक्चर की, उनके भाषण की पत्रिकाएं छपने का बात तय हुई। बात जब तय हुई तो कुछ लोगों ने आपत्ति की, उन्होंने कहा कि लाहौर में ही छपवा लें, यहाँ सस्ती पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा कि यहाँ छपेगी, यहाँ मैं उसमें एडिट भी कर सकता हूँ, उसको चेक भी कर सकता हूँ, बेहतर है यहाँ छपे। मगर बाद में पता चला कि वो वहाँ क्यों छपाना चाहते थे, बेसिकली वो उस भाषण को देखना चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या इसमें लिखा है। उस कॉपी को लेने के लिए एक वहाँ से हर भगवान सेठी जी आए 9 अप्रैल को और एक कॉपी लेके चले गए, यानी 9 अप्रैल 1936 को आए और एक कॉपी लेके चले गए। उस कॉपी को पढ़ने के बाद में उन्होंने कुछ उसमें आपत्तियां की और भाषण में से कुछ अंश को निकालने के लिए कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाषण को निकालने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया कि मैं इसमें से कौमा बिंदी भी नहीं हटाऊंगा, ये भाषण ऐसा कैसा ही रहेगा, आप चाहे अध्यक्ष बनाएं या ना बनाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। जो वार्षिक अधिवेशन था उसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया अनिश्चितकालीन के लिए और वो अधिवेशन नहीं हुआ। वो जो भाषण तैयार किया था डॉक्टर अंबेडकर ने, उस भाषण का जो नाम है वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का बीज नाश, यानी जड़ का मूल नाश, जाति का जड़ से मूल नाश। इस भाषण में इतनी हिट हुई क्योंकि 1000 कॉपी के लिए 100 रुपये एडवांस में दिए गए थे और बाबा साहब ने अपनी जेब से भी पैसे उसमें दिए और वो कॉपी छपी और वो बहुत बटी भी। उस पर उस समय मोहनदास करमचंद गांधी का एक आलेख भी आया, उन्होंने उसको काउंटर किया और बाबा साहब ने फिर उसका जवाब दिया। जवाब देने के साथ ही वो जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का जो भाषण था वो फिर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा हो गया। ये भाषण 116 दिन में लगभग तैयार हुआ। 5 दिसंबर 1935 से ये आरंभ हुआ और मिड मार्च 1936 में जाके ये कंप्लीट हुआ। पूरा का पूरा भाषण है। बाबा साहब ने बहुत मेहनत करके, क्योंकि उस समय उनकी सेहत भी अलाउ नहीं करती थी, बहुत मेहनत दिन रात करके ये आलेख तैयार किया। ये पूरा ओरिजिनल है, उन्होंने खुद लिखा है और खुद ही उन्होंने खोजा है, सारी किताबें उन्होंने छानी हैं। और ये व्यक्ति आरोपित नहीं है, किसी को अगर परेशानी हो तो ये किसी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं है इस भाषण के अंदर, ये सैद्धांतिक है पूरी तरह से, जैसे कि सिद्धांत काम करते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड है ये सारा। और कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर है उनके लिए जो देश को जात पात में फंसा के बहुत नीचे ले आए हैं, उनके लिए कठोर है, मगर उनके लिए कटु नहीं है। यानी कि हार्ड तो है मगर वल्गर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको लगे या अब्यूजिंग नहीं है, कोई कटुता नहीं है इसके अंदर। हिंदू धर्म, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म के लोग इसमें आते थे, तो हिंदू धर्म से द्वेषपूर्ण नहीं है, हिंदू धर्म का सहयोगी है और बताया गया है कि कैसे हिंदू धर्म को बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय है पूरी तरह से और लोगों को जोड़ने वाला है। भारत के उस समय के 6 करोड़ लोग जो डाउन ट्रोडन थे, जिनको जमीन के नीचे दबे हुए थे, जिनको शुद्ध से भी नीचे माना जाता था और हिंदू धर्म की परिधि से अलग आते थे, यानी कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था से वो अलग थे, जिनको अनटचेबल्स बोलते थे, उन 6 करोड़ लोगों को जोड़ने वाला भाषण है और मांग पूर्ण है। और ऐसा नहीं है बल्कि ज्ञानपूर्ण है, यानी कि आपको ज्ञान मिलेगा, कुछ मांगा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे भाषण में किसी से कुछ नहीं मांगा, ज्ञान दिया है, ज्ञानपूर्ण है और बहुत मर्यादित है, यानी कि इतनी मर्यादा का पालन किया गया है, भाषा का खास तौर से ध्यान रखा गया है, जैसे आजकल भाषा चलती है ऐसी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डेकोरम के साथ है, मर्यादित है, विरोधपूर्ण है मगर विरोधियों के लिए सम्मान की भाषा है और तथ्यों पर आधारित है। एक एक चीज़ का उन्होंने तथ्य दिया है और तथ्यों पर आधारित है और बहुत सारे इसमें रेफरेंसेस हैं। सच्चाई का आईना है, पूरी तरह से सच पर आधारित है और सच दिखाने वाला है, कोई झूठ मिथ्या या इसमें छलावा नहीं है। देश दुनिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाला है, देश आगे बढ़ेगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी, ये उस भाषण का बहुत जबरदस्त निचोड़ है। और जिनकी सोच बड़ी है, जो ये मानते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम बड़ी सोच वाले लोग हैं, हम देश का पहले सोचते हैं, उनके लिए ये अग्रणी है, उनके लिए ये बहुत अच्छा साधन है, उसको पढ़ेंगे तो वो देश के बारे में और ज़्यादा खुल के सोचेंगे। और दुनिया ने इसको बड़ा सहारा है उन विचारों को, और सैकड़ों भाषाओं में ये प्रकाशित या प्रिंट हुआ है और आज तक भी लगातार प्रिंट हो रहा है। लगभग 26 इसमें सेक्शन है, 26 इसमें वर्ग हैं और 191 इसमें स्टेंजा है, 191 इसमें स्टेंजा है, यानी कि जो स्टेंजा होते हैं परसिस्टेंस के अंदर। और इसमें लगभग 7-8 भागों में हम इसको तोड़ सकते हैं,
जो पहला भाग है वो है सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए वो क्यों अनुपयुक्त है। बाबा साहब बताते हैं कि मैं सम्मेलन में जाने के लिए फिट क्यों नहीं हूं, ऐसा बताते हैं। बाद में वो कहते हैं कि जो राजनीतिक आर्थिक सुधार हैं वो बाद में होंगे, पहले सामाजिक सुधार जरूरी है, तब राजनीतिक और आर्थिक सुधार चल सकते हैं या होंगे। फिर वो जाति का विश्लेषण बताते हैं कि जाति का कैसे कैसे विश्लेषण किया है, कैसे कैसे जाति के बारे में। फिर अपने आदर्श बताते हैं, उनके आइडियल्स क्या हैं। फिर वो बताते हैं चातुर्वर्ण व्यवस्था, यानी कि जो ये चार वर्ण की व्यवस्था है ये क्या है और कैसे है, इसके बारे में बताते हैं। फिर हिंदुओं और गैर हिंदू जो अनटचेबल्स हैं, हिंदू और अनटचेबल्स के बीच में अंतर बताते हैं कि उनकी जाति में भी अंतर है, ऐसा भी बताते हैं, ये बहुत बारीक पॉइंट है। फिर वो बताते हैं कि जाति का विनाश कैसे हो सकता है। फिर जाति के सुधार की संभावना बताते हैं, क्योंकि ये असंभव बात है, जाति कब संभव हो सकती है कब नहीं, ऐसा बताते हैं। फिर वो जातिवादी जो लोग हैं, खासतौर से जो हिंदू जो इसको लेके चलते हैं, उनको सलाह देते हैं। और इसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया और ये बात मैंने बहुत कोशिश की, तो वो अपना परिणाम और रिजल्ट भी बताते हैं। इस तरह से ये संक्षेप में है। इसके जो टोटल स्टेंजा है, यानी जो 26 इसके वर्ग हैं, उसके पहले वर्ग में वो कहते हैं कि मैं क्यों अनुपयुक्त हूँ। दूसरे में कहते हैं कि सामाजिक सुधार पहले जरूरी है, आर्थिक और राजनीतिक बाद में है। तीसरे में वो ये कहते हैं कि किसी भी हालत में आर्थिक सुधार अगर आप करेंगे तो वो सामाजिक सुधार के बिना बेकार हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि जाति जो होती है वो खाली काम का विभाजन नहीं है, कि ये काम इस जाति का, इस जाति का, उस जाति का, उसके साथ में जो लोग होते हैं उनको भी वो डिवाइड कर देती है और इससे देश डिवाइड हो जाता है और लोगों के मन में डिवीजन आती है। इसलिए खाली कोई ये कहे कि भाई जाति इसलिए है क्योंकि वो काम करते हैं, साथ साथ उनके व्यवहार का भी उसमें विभाजन है। फिर वो कहते हैं कि नस्लीय शुद्धता का जो अस्तित्व है वो जाति नहीं बनाए रख सकती। कोई आदमी ये कहे कि जाति इसलिए बनाई हुई है कि जो नस्लीय शुद्धता है वो बनी रहेगी, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं। और आखिर में वो ये बताते हैं जो इसका निष्कर्ष है कि जब तक जाति या वर्ण व्यवस्था का विनाश नहीं होगा तब तक देश शक्तिशाली नहीं होगा। ये इस किताब का उद्देश्य है, क्योंकि देश को शक्तिशाली करने की चिंता बाबा साहब की सबसे ऊपर रही है। और देश तब शक्तिशाली होता है जब देश के लोग शक्तिशाली हों, और देश के लोग तब शक्तिशाली होंगे जब वो एक माला में परोए जाएंगे। और एक ही माला जब बनेगी, अलग अलग बिखरा हुआ जो होता है वो दाना होता है, माला नहीं बनती है। माला तब बनती है जब सारे दाने माले में आ जाएं। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति बाबा साहब में कूट कूट के भरी हुई थी। इस चिंता में उन्होंने ये आलेख लिखा। इसको सभी को पढ़ना चाहिए। भारत के जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो जाति के ऊंचे पायदान पर इसका फायदा ले रहे हैं इसलिए जाति को नहीं छोड़ना चाहते, या जाति के नीचे के पायदान पर इसका नुकसान उठा रहे हैं, उन्हें तो जरूरी पढ़नी चाहिए। वो अगर वो भारत देश के वासी हैं, देशभक्त हैं, तो ऊंचे क्या नीचे क्या, सभी को पढ़ के एक माला में एक साथ आना चाहिए, जिससे देश का विकास हो। धन्यवाद।